अध्याय 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं पर ध्यान दीजिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचिए, जैसे दूध से दही बनना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग लगना। आपने देखा कि ऊपर दी गई सभी घटनाओं में परिवर्तन के बाद वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम यह कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप एक, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेतमाल पेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटी से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से जलाइए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। इस राख को जल में घोलकर लिटमस पेपर से इसका परीक्षण कीजिए। इस क्रियाकलाप को शिक्षक के सहयोग से कीजिए तथा अपनी आँखों को यथासंभव दूर रखिए। क, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना? ख, क्या मैग्नीशियम की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? आपने देखा कि चमकदार सफेद रंग की लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है और वह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है, जिसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति के कारण लाल लिटमस को नीला कर देता है।